दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि Asus का Zenfone Max Pro M2 Zenfone नहीं Max Pro M2 जी हाँ Zenfone हट गया है, Max Pro M2 में जुलाई का पैच का अपडेट आ गया और आपको मैन्युअली डाउनलोड करना है। तो वो वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ मैं बताऊंगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या बग्स है, लेकिन ये पूरा रिव्यू है जुलाई का सिक्योरिटी पैच का। तो आपने आशा करते हैं कि .067 यानी .067 वाला जो वर्जन है उसको अपडेट कर लिया होगा और इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि क्या क्या नया नया फीचर और क्या क्या बग्स अभी भी है इस फोन में। चलिए डायरेक्ट आज मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर आपको डाउनलोड कैसे करना है और किस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है मैन्युअली। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, उन सबको भी मैं यहां इंक्लूड कर दूंगा। तो इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन ना पिक किया गया है, लेकिन आपको आंसर जरूर से मिल जाएगा। तो आपको डाउनलोड करना होगा, अभी ऑफिशियल हो गया है इंडिया के लिए। इंडिया में आप ऑफिशियल डाउनलोड कीजिए, अपने जो इंटरनल स्टोरेज है वहां पर उसको रख दीजिए और मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। देखिए आपको एक पॉपअप आएगा कि अपडेट करने के लिए, अपडेट कीजिए, जरूर से जल्दी से हो जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने बताया था साइज उसका बहुत बड़ा है, वाईफाई में डाउनलोड कीजिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग रिव्यू का कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या नया आया है, इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या बग्स है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो वाइब्रेशन का हमारा एक इशू था, जो वाइब्रेट करता था तो वो बहुत सॉफ्ट था, मालूम नहीं चलता था कि वो वाइब्रेशन हुआ है। तो अभी वो नो लॉन्गर, मतलब अब ऐसा नहीं है, अभी ये एकदम फिक्स हो गया और आपको वाइब्रेशन मतलब फील होगा कि हाँ वाइब्रेशन हो रहा है। तो पहला ये हुआ। सेकंड बात करते हैं तो लॉक स्क्रीन में जो फुल्ली डार्क हो जाता था, जो आपको समझ में नहीं आता था कि कैसे आपका पैटर्न है, ढंग से दिखता नहीं था, तो लॉक स्क्रीन का ये जो प्रॉब्लम था उसे फिक्स कर दिया गया। अभी आप जब भी लॉक स्क्रीन करेंगे तो उसका पीछे में कुछ अगर वॉलपेपर है या जो भी दिख रहा है या कोई एप्लीकेशन के ऊपर है तो वो हेजी होके दिखता है। तो ये दो मैंने पहले बताया, ये फिक्स हो गया है। दोस्तों बहुत सारे के कमेंट था कि ये मेरे पास जो बैटरी है वो अच्छा से बैकअप नहीं दे रहा और बैटरी में कुछ इशू आ रहा है। तो हमारे जो डिवाइस है उसमें भी कुछ बैटरी ड्रेनिंग का इशू दिख रहा है, लेकिन उतना मेजर मुझे नहीं लग रहा। बहुत सारे ने बोल रहे हैं कि मुझे करीब करीब 1-2 मिनट में 1% डाउन हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मेरे डिवाइस में ऐसा फील नहीं हो रहा। कैमरा का क्वालिटी आप जज कर लीजिएगा, ये रिकॉर्डिंग कैमरा के उसी डिवाइस से हो रही है, मैक्स प्रो M2 से हो रही है, तो कैमरा क्वालिटी आप आराम से जज कर सकते हैं, उसमें इसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स की बात करता तो अलाइनमेंट बहुत जगह डिसबैलेंस था, उसको अलाइन किया गया, जैसे पावर ऑफ का जो सिंबल था वो अप डाउन था वो, लेकिन कुछ कुछ जगह पे अभी भी है, वो मैं बताऊंगा क्या क्या वो है जो फिक्स नहीं हुआ है। इसके अलावा बताता कॉर्नर में जो हमारे पास जो इशू था, जो स्लाइड में दिखता था, तो उसमें थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी किसी किसी डिवाइस में, मेरे डिवाइस में इवन भी, कि जो प्रॉब्लम है वो कॉर्नर ठीक से राउंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे का ये प्रॉब्लम है जो कि ये ठीक होना चाहिए था, होपफुली आने वाले अपडेट में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये अभी है इसके लिए। लेकिन पहले से ये बेटर है, ये जरूरी है बताना। साउंड की बात करते हैं तो बहुत सारे ने बता रहे हैं कि मेरे जो डिवाइस है उसमें साउंड नहीं आ रहा। तो पहला बात, ईयरपीस या हेडफोन में साउंड आपको अच्छी आ रही है पहले के मुकाबले। ओरियो में था कुछ बेटर आता था, लेकिन यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है प्रीवियस जो अपडेट हुआ था उसके बाद। लाउडनेस में भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो बेस है, जो एक्चुअल साउंड होना चाहिए, जो आपका म्यूजिक है उसमें, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर साउंड इम्प्रूवमेंट है भाया हेडफोन और ईयरपीस, लेकिन स्पीकर में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट जरूरत होता है। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ें का हुआ है। दोस्तों ये सारे जो प्रॉब्लम था, इसके बाद बात करते हैं कि नॉच का अभी भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी मैं लास्ट रखता हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ कि क्या क्या आपको नया फीचर मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, डिजिटल वेलबींग का मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। सेकेंड आया है जो Asus का लोगो है, स्टार्टिंग में Asus Zenfone पहले आता था, Zenfone हट गया, अभी Asus का ही आ रहा है, तो ये दो चीज़ हो गया है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि Zenfone के लेके बहुत लफड़ा हो रहा है, उसको हटा दिया गया। तीसरा जो बात करते हैं, लॉकडाउन एक फीचर होता है पाई में, बाय डिफॉल्ट ये होता है, जो इसमें नहीं था वो फीचर को इंक्लूड किया गया। तो तीन नया फीचर जो मुझे अभी तक दिखा है वो इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी का, जो 69% वाला जो एक प्रॉब्लम था वो अभी भी मुझे लग रहा समहाउ मतलब ठीक नहीं हुआ, दिख तो नहीं रहा लेकिन ठीक नहीं हुआ। ऑप्टिमाइजेशन बैटरी बहुत दरकार है। इसके अलावा बैटरी का बैकअप उतना अच्छा नहीं आ रहा है, चार्जिंग भी पहले के जैसा हो रहा है, उतना मैं इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहा हूँ चार्जिंग में, लेकिन बैकअप थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है और ड्रेनिंग, बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो ये सारे चीज़ें हैं अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं तो
जो दो बार होता है, दो बार मतलब सिम वन सिम टू का, उस दो बार है उसको ठीक से अलाइनमेंट नहीं है, यानी कहीं अलाइनमेंट ठीक किया गया है और कहीं पर ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा बात करते हैं पबजी, जब अगर आप खेलते हैं तो फिर अभी भी नॉच में प्रॉब्लम आता है किसी किसी डिवाइस में, तो वो डिवाइस के लिए मैं बताता हूँ कि एक बार अपने मोबाइल को फैक्ट्री रिसेट करके अपने डिवाइस को देखें, मेरे ख्याल से वो ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन नॉच में अभी भी बहुत ऐसे समय आता है जिसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये सारे जो इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में मैंने लेके आया, एक साथ कुछ कुछ का स्क्रीनशॉट भी मैंने दिखाने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे या आपको कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो से तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एकदम इस वीडियो को, और वीडियो अच्छा ज़्यादा लग गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा फ्यूचर में ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। थैंक यू, बाय बाय, बी से।